डीजीपी ओपी सिंह ने कह दिया है कि अब बैन लगना चाहिए पीएफए पर, जिसकी तैयारी हो रही है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात ठंड की करेंगे। ठंड और कोहरे का कोहराम लगातार चल रहा है। आज भी दिल्ली और एनसीआर में न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों के पास सिर्फ अब अलाव का ही सहारा है। ठंड में क्या इंसान क्या जानवर, हर कोई थर थर कांप रहा है। आपको हम देश के 5 शहरों की अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप समझिए, अमृतसर, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और मुरैना, कोई भी जगह ऐसी बची नहीं है जहां पर ठंड अपना कहर ना बरपा रही हो। बर्फ भारी, मैदान में शीतलहर जारी। कश्मीर से बिहार तक कोहरे का कोहराम। यूपी में ठंड ने ली 50 लोगों की जान। जम गए पहाड़, जम गई नदियां, मंदिरों पर बर्फ की चादर। 0 डिग्री से न्यू ईयर का स्वागत। उत्तर भारत में भीषण ठंड से फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे नहीं रही। हालांकि आज दिल्ली में कोहरा भले ही ना हो, लेकिन दिल्ली में ठंड प्रचंड है। यहां आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली में ठंड ने 119 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सोमवार 1901 के बाद दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है और साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। मतलब आप समझ जाइए, जिस तरीके से ठंड में आप ठिठुर रहे हैं, और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। उधर गाजियाबाद में आज भी कोल्ड अटैक ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि साल 2019 का आखिरी हफ्ता ठिठुरन, सिहरन और कपकपी लेकर आएगा, लेकिन साल अब जा रहा है और नए साल का इंतजार है। लेकिन नए साल में भी ये ठिठुरन और कपकपी जारी रहेगी, क्योंकि नए साल के पहले हफ्ते में भी मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूं। गाजियाबाद में आप लोग देखिए, सुबह के वक्त साल का आखिरी दिन है और वो कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं और अलाव ताप कर किसी तरह से ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी भरकम कपड़े हर कोई पहने नजर आएगा और कोशिश में जुटा रहेगा कि वो किसी तरह से इस ठंड से बच जाए। इधर मैं दिखाऊं गाजियाबाद का, ये साहिबाबाद इलाके का बेहद प्रसिद्ध राम मनोहर लोहिया पार्क है, जहां पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या ना के बराबर हो गई है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। हालांकि कल के मुकाबले आज एक राहत यह है कि जो कोहरा है वो उतना नहीं है और विजिबिलिटी में काफी सुधार हुआ है। शीत लहर का प्रकोप लेकिन लगातार जारी है, 4 डिग्री का टॉर्चर है। लोग हमारे साथ जो हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कैप है, मोटी जैकेट है, लेकिन फिर भी ठंड नहीं रुक पा रही है। ठंड बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है जी। गूगल पे 4 डिग्री होता है, बट एक्चुअल में 2 डिग्री है। यानी फील लाइक 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री होता है, दस्ताने के अंदर भी उंगलियां ठंडी होने लगती। यानी पहाड़ों की जो बर्फीली हवा है वो यहाँ असर कर रही है। मुझे लगता है उससे भी ज्यादा हो रही है वो जी। जितना अमृतसर में ठिठुरन नहीं है, उतनी उससे ज्यादा ठिठुरन यहाँ पे हो रही है। यानी ये कहें दिल्ली की सर्दी परेशान कर रही है। बिल्कुल परेशान कर रही है। आने वाले जो हफ्ता है, नए साल का जो हफ्ता है, उसमें बारिश भी होगी और ओलो के लिए भी तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि 15 दिन और, संक्रांति से पहले कुछ राहत मिलने का कोई चांस लगता नहीं है जी। अभी राहत नहीं मिलेगी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अभी ये ठिठुरन जाने वाली नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। राजस्थान में इस बार सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के एक दर्जन अधिक जिलों में पारा माइनस पे पहुंच गया है। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ती सर्दी और शीतलहर के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी 2 दिन के अंदर प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में तेज मूसलाधार बारिश होगी और ओले पड़ने की भी चेतावनी
चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब जो लोग हैं वो अलाव का सारा और गर्म कपड़ों का सारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन की अगर बात करें, जिला प्रशासन भी इस बार सर्दी को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह रैन बसेरे बना दिए गए हैं, साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से टीम भी बनाई गई है जो रैन बसेरे में जाकर उचित व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरह शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, अब लोग किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं सीजन सर्दी से बचने के लिए। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। गाजियाबाद।